हेलो, वेलकम टू एनएनएमएस एसेंशियल पर्स। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एलजेब्रा। हमारा नया चैप्टर है एलजेब्रा, ठीक है। आज हम इसके बारे में जानेंगे और इसमें क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं और क्या हमारे कंपटीशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, वो सब यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। और आज इसकी शुरुआत करेंगे, बाकी नेक्स्ट पार्ट्स में हम इसको कवर करते जाएंगे, ठीक है। सो इससे पहले हम स्टार्ट करें, हम आपको बता दें आप हमें फेसबुक पर एनएनएमएस एसेंशियल पर्स के नाम से फॉलो कर सकते हैं और आप हमारा यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एलजेब्रा। एलजेब्रा है क्या, ये जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एलजेब्रा, जिसको हम हिंदी में बोल देते हैं बीज गणित, ठीक है। यानी होता क्या है कि जब नंबर्स को, यानी नंबर्स मतलब संख्याओं को, नंबर्स को हम रिप्लेस कर दें किसमें, लेटर्स में, ठीक है। नंबर्स को किस में रिप्लेस कर दें, लेटर्स में, यानी 10, 20, 30 हो गए, इनको हम ABC मान के यहाँ पे कुछ कैलकुलेट कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरह के पैटर्न को हम, जिनमें हम लेटर्स की फॉर्म में पढ़ते हैं, उनको बोलते हैं हम एलजेब्रा, ठीक है। एलजेब्रिक इक्वेशंस या फिर बीजगणित हम इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो एलजेब्रा में हम मेनली क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो है हमारे पास, सबसे पहले तो कुछ होंगे हमारे पास पैटर्न्स, यानी पैटर्न्स यानी आइडेंटिटीज जिनको हम बोल देते हैं, या फिर आप इनको बोल सकते हो कि हमने कुछ फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं कि ये बिल्कुल ये फिक्स पैटर्न होते हैं जिनको आप हर जगह हर नंबर पर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है। पॉलिनोमियल्स क्या होता है और किस कितने टाइप का पॉलिनोमियल होते हैं, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे। उसके अलावा कुछ और बाकी फिर हमारे पास बचते हैं एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस मतलब कि कुछ और इक्वेशंस, जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ठीक है, कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। उसके अलावा मोस्टली क्वेश्चंस इसी से पूछे जाते हैं। उसके अलावा क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। अब ये सब होता क्या है कि ये पैटर्न तो हमने जान लिया कि ये हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि A+B का होल स्क्वेयर क्या होता है, हमारे पास A²+B²+2AB होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास कुछ 10-12 इंपॉर्टेंट से आइडेंटिटीज हैं, उनको हम यहाँ पे कवर करेंगे और उन पर बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे आइडेंटिटीज से पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में हम पढ़ेंगे इनके रूट्स फाइंड आउट करना, ठीक है, रूट्स वगैरह, और इनका मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना, ये सब हम यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। तो आज हम इनको जान लेते हैं एक बार, पैटर्न हमने बताया, ठीक है। पॉलिनोमियल क्या होता है वो देख लेते हैं। पॉलिनोमियल हमारे पास कोई इक्वेशन जिसमें वन वेरिएबल हो, तो वन वेरिएबल मतलब सबसे पहले तो वेरिएबल क्या होता है, ये ABC, यानी ये हमारे पास जैसे ये फॉर्मूला है A+B का होल स्क्वेयर, A²B²AB। तो अब ए या बी, ये दो ऐसे वेरिएबल हैं जिनकी वैल्यू में चाहे कुछ भी रखो, चाहे 10 रखो, 10-20 रखो, चाहे 1-2 रखो, चाहे 3-4 रखो, तो ये इक्वेशन हमेशा सेटिस्फाई करेगी, यानी LHS इक्वल टू RHS हमेशा रहेगा, चाहे मैं इसमें कुछ भी ए और बी की वैल्यू पुट करूं। तो यानी ए और बी को आप कितना भी वेरी कर लीजिए, इक्वेशन हमारी सेम रहेगी, यानी आइडेंटिटी सेम रहेगी, ठीक है। तो ए और बी हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल, ठीक है। तो ये ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वन वेरिएबल होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो X²+X+1, ठीक है। तो इसमें वेरिएबल क्या है, वन है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास क्या होता है, उसके अलावा ये बोलता है कि इसमें जो इक्वेशन में जो पावर है, यानी पावर इसमें क्या है, दो है, इसकी पावर एक है, ठीक है। और ये तो हमारे पास क्या होता है, कांस्टेंट। एक यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, और एक्स क्या है, वेरिएबल। एक्स क्या है, वेरिएबल, एक हमारे पास है कांस्टेंट, क्योंकि इसकी वैल्यू तो हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसके अलावा हमारे पास क्या आए कि इसकी पॉजिटिव पावर हो, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव इंटीजर पावर हो, यानी 1, 2, 4, 5, ना ही उसको फ्रैक्शन में हो, यानी 1/2 या 5/6 इस तरह की पावर ना हो, ना ही रूट में हो, ठीक है।
रूट तो हमारे पास 1/2 हो गया, ठीक है, तो मतलब ना ही नेगेटिव पावर हो, ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर पावर हो, साथ में उसमें वेरिएबल भी कितने हो, एक ही वेरिएबल हो, तो ऐसी इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, ठीक है। सो और तीसरी चीज हमारे पास है एक्सप्रेशंस, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ या क्यूबिक इक्वेशन हुआ, ठीक है, और डिफरेंट एक्सप्रेशन होते हैं हमारे पास जो कि जिसमें वेरिएबल्स में भी मोर देन वन, ठीक है, तो वन भी हो सकता है एक्सप्रेशन, हम सभी को बोल सकते हैं, इसको भी एक्सप्रेशन बोल सकते हैं, इस इक्वेशन को भी, तो एक्सप्रेशंस में हम कुछ जो भी अलग से होगा वो उसको कवर करेंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हमने और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम इसके रूट्स और मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और क्यूबिक इक्वेशन और इससे आगे हमारे पास होता है बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, तो ये सब हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पैटर्न्स से, ठीक है, तो आइए पैटर्न्स क्या क्या हमारे पास इंपॉर्टेंट पैटर्न्स है वो देख लेते हैं। तो पैटर्न्स में जैसे यानी इसको मैं लिख देता हूं आइडेंटिटीज, ठीक है, या फिर पैटर्न्स, तो सबसे पहले हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है वो है, मैं पहले सभी को लिस्ट आउट कर देता हूं जो जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। सो आपको ये सभी याद भी होने चाहिए, ठीक है। सो सबसे पहले हमारे पास आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। दूसरा है हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। तीसरा है हमारे पास ए प्लस बी का होल क्यूब, अब क्यूब पे आ जाओ, ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, इसको आप एक्सपेंड करके भी लिख सकते हो, ठीक है, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी सॉरी थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर, ठीक है। फोर्थ हमारे पास ए माइनस बी का होल क्यूब, ठीक है, ए माइनस बी का होल क्यूब यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी इंटू ए माइनस बी, इसको आप एक्सपेंड करके भी लिख लेना, ठीक है। फिफ्थ है हमारे पास, तो हमने स्क्वायर और क्यूब के देखे, ठीक है, ये हमने पहले भी पढ़े हैं, लेकिन इन पर क्वेश्चंस कुछ किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे कॉम्पिटिशन के हिसाब से वो कुछ अलग है, ठीक है, तो उनको हम यहाँ पे देखेंगे। तो पहले तो हम आइडेंटिटीज याद होना काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी कैलकुलेशन को काफी फास्ट करेगा, ठीक है। सो आगे मैं लिख रहा हूं बाकी की, एक हमने पढ़ा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है, इनको आप पॉज वीडियो पॉज करके आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे लिख रहा हूं मैं सिक्स्थ है हमारे पास कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस ए बी, ठीक है, ये सभी फिक्स पैटर्न्स हैं, इनको आपको याद करना काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद करना ही पड़ेंगे, ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, क्योंकि उससे आपका कैलकुलेशन काफी फास्ट हो जाएगा, ठीक है, आप सेकंडों में आंसर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इक्वल टू सो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है, ये हमारे पास ये पैटर्न हो गया, और इसी को हम एक फॉर्म में और लिखते हैं, वो कैसे लिखते हैं, वो ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसी के इक्वल है ये, ठीक है, ये कैसे आया वो आपको बता देंगे, ठीक है, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, ये अब कैसे आया ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। तो यहां पे हम अगर इसको 1/2 से डिवाइड कर दें और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो इसको 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी में 2 आ गया,
ठीक है, टू टू टू, ठीक है। तो अब देखो इसको मैं आगे कर रहा हूं, करके दिखाता हूं आपको, ठीक है। ये हमारे पास एट्थ आइडेंटिटी थी, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम 1/2 से बाहर मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, डिवाइड कर दिया एक बार, मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब क्या होगा कि ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, ये तो सेम है, 1/2 भी सेम है। अब ये क्या होगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, एक एक ले लिया, ठीक है, माइनस 2ab। तो ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर। देखो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, तो अब ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर और बच गया, ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वेयर और बी स्क्वेयर बच गया, ये हट गया और अब ये बच गया, ठीक है। अब बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस 2bc, तो एक बी भी गया और एक सी भी गया, तो एक ए और सी बच गए, और शायद साथ में बी सी दे दो, बी माइनस सी का होल स्क्वेयर, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, ठीक है। ऐसे ही आपका सी माइनस ए का होल स्क्वेयर, ठीक है। ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है 1/2 ए प्लस बी प्लस सी इंटू में ए माइनस बी का होल स्क्वेयर, बी माइनस सी और सी माइनस ए का होल स्क्वेयर, ठीक है। इससे अगला हमारा आइडेंटिटी है, इससे अगला है हमारा ए प्लस बी प्लस सी तीनों का होल स्क्वेयर, ठीक है। ये क्या होता है हमारे पास, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। या फिर इसी को हम क्या लिख देते हैं, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। ये नाइन्थ, एक और आइडेंटिटी जो इंपॉर्टेंट है, ये हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3 ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस ए, ठीक है। तो ये हमारे पास 10th आइडेंटिटी, ठीक है। एक 11th है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखना। तो ये होता है ए फोर प्लस बी फोर प्लस ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर। तो ये हमारे पास होती है ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है, और ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, ठीक है। ये हमें फैक्टर करने में काफी काम आएगी, ठीक है, इस तरह की इक्वेशन हमें फैक्टर बनाने में काम आएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास मेन जो 11 आइडेंटिटीज थी, ठीक है, ये हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट है, और इनकी कैसे अब अप्लीकेशंस, हम इनको कैसे यूज करेंगे एलजेब्रा में, वो हम अब शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये सभी फिंगर टिप्स पर होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर ये ही याद नहीं होंगे आपको, तो एलजेब्रा में आपका क्वेश्चंस मतलब जल्दी से स्ट्राइक नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर आपको सेकंड्स में क्वेश्चन करने हैं, तो ये सभी पैटर्न्स आपको माइंड में होने चाहिए, ठीक है। सो आइए सबसे पहले हम पहली आइडेंटिटी से शुरुआत करते हैं। तो पहली आइडेंटिटी है हमारे पास ए प्लस बी का होल स्क्वेयर। ये क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, ठीक है। हमारे पास कैसे एप्लीकेशन में आएगा, ठीक है, इन केस इसका क्या है कि जब हमारे पास वेरिएबल हो, दो वेरिएबल हो ए और बी, ठीक है, और ए इज इनवर्सली मतलब ए इज रेसिप्रोकल टू बी, यानी ए इज इक्वल टू 1/b। तो यानी अगर हमारे पास एक वेरिएबल एक्स है, तो दूसरा क्या होगा, 1/x, ठीक है, ये होगा ना। तो अब क्या है कि अगर हमें एक्स प्लस 1/x कुछ दिया है, मान लो पी दिया है, ठीक है, तो हम एक्स स्क्वेयर प्लस 1/ इस तरह के क्वेश्चंस काफी रिपीट होते हैं, ठीक है, इसलिए हम ये पैटर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो देखो मान लो ये एक्स, ये 1/x, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 × x × 1/x, ये एक्स स्क्वेयर, ये 1/x², ठीक है, तो एक्स से एक्स कट जाता है। ये हमें किसके बराबर दिया था, एक्स प्लस 1/x किसके बराबर था, पी के बराबर, तो ये क्या आ गया, पी का स्क्वेयर, ठीक है। तो यानी हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि एक्स स्क्वेयर अपॉन 1/x² है, वो क्या क्या आ रहा है, पी स्क्वेयर, और ये इधर प्लस में है, तो ये इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है।
यानी इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, पी स्क्वेयर माइनस टू। तो ये सब इन्हीं आइडेंटिटीज से निकल के आते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से आगे अगर एक्स इसका फिर से स्क्वेयर करना हो, एक्स फोर वन बाई एक्स फोर करना हो, तो फिर हमारे पास ये जो वैल्यू है इसका स्क्वेयर, और हर बार क्या करेंगे दो घटा देंगे, ये जिसके बराबर है उसमें से दो घटा देंगे। आगे जैसे एक्स की पावर एट अपॉन वन बाई एक्स की पावर एट निकालना हो, तो फिर ये जो वैल्यू हमारे पास इसका होल स्क्वेयर और इसमें से भी दो घटा देंगे, ठीक है, क्योंकि हर बार यही पैटर्न रिपीट होने वाला है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि अगर हमें x प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू पी दिया हो, तो एक्स स्क्वेयर अपॉन वन बाई एक्स स्क्वेयर क्या आ जाता है, पी स्क्वेयर माइनस टू, ठीक है, ये हमने यहां से देखा था, ठीक है। क्योंकि ए बी क्या हो जाता है, अगर a और b रेसिप्रोकल है, a इज इक्वल टू वन बाई बी है, तो ए बी हमेशा क्या होगा, वन होगा, ठीक है, ए बी हमेशा क्या होगा, वन होगा, क्योंकि a इंटू वन बाई ए हो जाएगा, ठीक है, यानी रेसिप्रोकल है, तो a से a कैंसिल, फिर ए बी हमारे पास क्या आ जाएगा, वन आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से आगे हम इसको कर सकते हैं, x की फोर दो दुना चार, चार दुना आठ, आठ दुना सोलह, ठीक है, ऐसे ही जो भी हमारे पास लास्ट ऑब्जर्वेशन होगी उसका स्क्वेयर करो, माइनस टू करो, तो अगला पैटर्न आ जाता है, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल के साथ करके दिखाता हूं। तो जैसे हमारे पास है कि x प्लस वन बाई एक्स हमें दे दिया फाइव, ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर क्या होगा, तो p हमारे पास ये है, तो पी स्क्वेयर माइनस टू होता था, ठीक है, तो पांच का स्क्वेयर पच्चीस माइनस दो इक्वल टू तेईस, ठीक है। अगर हमसे पूछा होता कि x की पावर एट प्लस वन बाई एक्स की पावर एट क्या होगा, ठीक है, तो देखो पहले दो निकाल लिया, ठीक है, अब चार निकाल लो, x की फोर प्लस वन बाई एक्स की फोर इक्वल टू तेईस का स्क्वेयर माइनस दो, यानी पांच सौ उनतीस माइनस दो, यानी पांच सौ सत्ताईस, ठीक है। इससे आगे फिर पूछा है, तो पांच सौ सत्ताईस का होल स्क्वेयर माइनस दो, ठीक है। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं सीरीज में, ठीक है, यानी इसका स्क्वेयर दो, दो का स्क्वेयर चार, चार का फिर आगे चार दुना आठ सोलह, ठीक है, जो भी है आपके पास पावर बढ़ती जाती है, ठीक है, तो इसका स्क्वेयर करेंगे फिर वही है, ठीक है, बार पावर मल्टीप्लाई होके। तो ऐसे आप एक पैटर्न हमारे पास आ गया कि हम इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, किस केस में, जब ए और बी दो वेरिएबल क्या हो, आपस में रेसिप्रोकल हो, ठीक है, क्या हो, रेसिप्रोकल हो, ए इज इक्वल टू वन बाय बी, ठीक है। सो इसके अलावा हम दूसरा इक्वेशन देखते हैं, दूसरा पैटर्न है हमारे पास ए माइनस बी का होल स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस दो ए बी, ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, ये मान लो एक्स माइनस वन बाई एक्स हमें कुछ दिया है, ठीक है, तो अब यहां भी हमारे पास क्या आएगा कि एक्स माइनस वन बाई एक्स, कंडीशन हमारी वही है, ए इजक्वल टू वन बाई बी, तो अगर ए इजक्वल टू वन बाई दिया है तो एक्स और वन बाई एक्स होगा हमारे पास, ठीक है, तो यानी एक्स माइनस वन बाई एक्स ये दोनों रेसिप्रोकल है, दो वेरिएबल, ठीक है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर यहां पर क्या आ जाएगा, पी स्क्वेयर प्लस टू, यहां पे प्लस हो जाएगा, वहां पे माइनस, अगर माइनस की इक्वेशन है तो प्लस, प्लस की इक्वेशन थी तो माइनस, क्योंकि यहां पे आप पुट करके देख सकते हो, यहां पे एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर, तो ये माइनस दो था, क्योंकि ए बी क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है, और ये एक्स माइनस वन बाई एक्स का होल स्क्वेयर, या फिर इसको तो हमने पी मान लिया था, पी स्क्वेयर, तो ये दो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस टू, ठीक है। तो इससे हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर क्या आ जाता है, माइनस वाली इक्वेशन से भी, पी स्क्वेयर प्लस टू, उसमें क्या था, माइनस टू, ऐसे ही एक्स फोर वन बाई एक्स फोर, आगे फिर क्या करेंगे, तो यहां पे प्लस से प्लस जा रहे हो आप, ठीक है, प्लस से प्लस जा रहे हो, तो जब प्लस से प्लस जा रहे हो तो फिर ये जो एक्सप्रेशन था हमारे पास इसका होल स्क्वायर, प्लस से प्लस ही जा रहे हो तो फिर से माइनस टू, ठीक है, आगे फिर से उसका होल स्क्वायर माइनस टू एट के लिए, ठीक है। तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे एक्स माइनस वन बाई एक्स हमें दिया है, अच्छा इसमें ये हमारे पास फाइंड आउट नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना, हमारे पास क्या फाइंड आउट हो रहा है, एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर होता है, इसके लिए हमारे पास अलग से पैटर्न होता है। देखो
पहले इसको देख लेते हैं, एक्स माइनस वन बाई एक्स, अगर फिर से मैं 5 ही मान लेता हूँ तो एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर क्या होगा, तो 5 का स्क्वेयर पी स्क्वेयर प्लस 2 यानी 27। ठीक है, ऐसे ही मैं एक्स की पावर 4 प्लस वन बाई एक्स की पावर 4 फाइंड आउट कर सकता हूँ, तो 27 का स्क्वेयर प्लस 2 सॉरी माइनस 2। माइनस क्यों, क्योंकि अब प्लस से प्लस में जा रहे हैं। ठीक है, अब प्लस में प्लस से प्लस में जा रहे हैं, उस समय हमारे पास माइनस था इसलिए हमें प्लस करना पड़ा था। ठीक है, तो इस चीज को आप इस फॉर्मूले में एक बार करके देखना, आपको काफी क्लियर हो जाएगा कि ये हम प्लस से प्लस जा रहे हैं तो यहाँ पे माइनस कर रहे होते हैं, और अगर हम माइनस टू प्लस जा रहे हैं तो हम यहाँ पे प्लस कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे दो पैटर्न सीखे यहाँ पे अभी तक। तीसरा पैटर्न हमारे पास ये है, इसको हम आगे करेंगे। जैसे ए एक्स प्लस वन बाई एक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन बाई एक्स, क्योंकि ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी हमने पीछे नोट की थी। ठीक है, तो इस बेस पे हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे, और फिर इसके आगे हम नेक्स्ट उसमें लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। आप इन पर थोड़ा प्रैक्टिस करके देखना और इन आइडेंटिटीज को जरा याद कर लेना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी इसको मैं आपको आगे फिर से रिवाइज करवा दूंगा थोड़ा सा, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, आई होप अभी अगर आपको कोई डाउट है तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको काफी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से हम सभी आइडेंटिटीज को करेंगे, उसके अलावा हम फिर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी देखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही, और बने रहिए हमारे साथ। बाकी वीडियोज के लिए आप विजिट कर सकते हैं NMS SSC Helpers को, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, और नेक्स्ट पार्ट में आपको मिलते हैं। थैंक यू, वर्क हार्ड।